लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण देश के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। पिछले साल बालकृष्ण 25वें स्थान पर तो इस बार वे 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनकी संपत्ति 173% बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए हो गई है। आचार्य बालकृष्ण के साथ D-Mart के राधाकिशन दमनी का नाम भारत के अमीरों की सूची में शामिल हो गया है। वहीं इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी अब भी सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। पिछले 6 साल से अमीरों की सूची तैयार कर रही रिसर्च यूनिट हुरन के मुताबिक FMCG कंपनी पतंजलि के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO बालकृष्ण अब देश के शीर्ष 10 अमीरों में शामिल हो गए हैं। वहीं रिटेल सेक्टर के राधाकिशन दमनी की संपत्ति में 324% का इजाफा हुआ। पिछले वित्त वर्ष में पतंजलि का कारोबार 10,561 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वे कई विदेशी ब्रांडों को टक्कर दे रही है। वहीं ग्लोबल लेवल पर मुकेश अंबानी पहली बार टॉप 15 में जगह बनाने में कामयाब रहे। शेयर बाजार में आए उछाल से रिलायंस के शेयर बढ़े हैं, जिससे अंबानी की संपत्ति 58% बढ़कर 2,570 अरब रुपए पर पहुंच गई है। उनकी ये संपत्ति यमन देश की सकल घरेलू उत्पाद से 50% अधिक है। आचार्य बालकृष्ण आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अपने ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते। वे शुद्ध हिंदी में बात करते हैं और कुर्ता एवं धोती पहनने में विश्वास रखते हैं। वे इस कंपनी से कोई भी सैलरी नहीं लेते। आचार्य बालकृष्ण ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर ये काम शुरू किया था। आज वे रोजाना 15 घंटे काम करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं लेते हैं। उन्हें एक NRI दंपत्ति सुनीता और सरवन पोदार